आयुष्मान भारत दिवस पर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। भाजपा सरकार की इस भागीरथी योजना से देश के गरीब व वंचित तबके के लिए सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज संभव हो पाया है तथा देश की करोड़ों जनता को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी था हमारे देश की जनता का आरोग्य होना। जनता यदि खुशहाल है तो देश में हर दिन त्योहार है। इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती हुई भाजपा सरकार ने हर गरीब की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को समझा। किसी गरीब परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता था तो उसके खर्च से पूरा परिवार बिखर जाता था। इस समस्या का निदान करते हुए भाजपा सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, जिसके दो मुख्य स्तंभ थे, देश में 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5,00,000 रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। और इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती भाजपा सरकार ने आज आयुष्मान योजना लोगों के जीवन में वरदान साबित हो रही है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। इस योजना से अब तक लाभार्थियों के 80,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथ ही जन औषधि केंद्र खुलने से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर सरकार ने जनता का 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। घुटना प्रत्यारोपण और स्टंट की लागत में कमी आने से गरीब परिवारों के 13,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक आह्वान है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें।